अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिक्स क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उनका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, नंबर्स आपको दिए हुए हैं 6 एंड, ये दो नंबर्स हैं 6 और 9, इनका आपने एच सी एफ फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एच सी एफ आपने दोनों का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 6 का भी प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 9 का भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर देखें दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा वही दोनों का एच सी एफ होगा। तो 6 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 6 दो लाने लगा लें, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, फिर 3 1 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। इस तरह के बाद 9 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 9 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9, फिर 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। तो 6 का हम क्या लिखेंगे, 2 times 3, 6 2 times 3। ये 6 का प्राइम फैक्टर्स है। 9 को क्या लिखेंगे, 3 times 3, ये वाले 9 के प्राइम फैक्टर हैं। तो 6 के भी प्राइम फैक्टर बना लिए, 9 के भी प्राइम फैक्टर बना लिए। अब देखना दोनों में कॉमन क्या है, इस इन फैक्टर्स में और इन फैक्टर्स में क्या कॉमन है। ये वाला 3 जो है, 1 3 कॉमन है, दोनों में ये 3 कॉमन है ये वाला। तो जो कॉमन है वही एच सी एफ होगा। देयरफॉर ये 3 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स नीचे, 1 डॉट ऊपर, इसको बढ़ते हैं देयरफॉर एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 9, एच सी एफ ऑफ 6 and 9 इज इक्वल टू क्या, जो कॉमन है दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 इज द एच सी एफ ऑफ 3 and 9। ये दो नंबर दिए हैं। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, दो नंबर्स हैं 25 and 45, तो इनका एच सी एफ फाइंड करना है। फिर दोनों के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 25 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 25 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 5s are 25, फिर 5 1s are 5, फिर 45 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 45 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब टेबल याद करें, अगर आपको टेबल याद नहीं है फिर आप टेबल याद करें, अगर टेबल याद नहीं होंगे फिर आपका मैथ कभी भी समझ नहीं आएगी। अगर आप मैथ में अच्छा काम करना चाहते हैं तो फिर आपको टेबल याद करना चाहिए। तो 3 15s are 45 या 3 1s are 3, 1 बचा ये 15 आ गया, 3 5s are 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 5s are 15, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1s are 5। अब दोनों क्या होने प्राइम फैक्टर बना लें, तो 25 को क्या लिखना है, 25 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5, ये 25 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 45 को क्या लिख लेंगे, 3 times 3 times 5, तो ये वाले 45 के प्राइम फैक्टर्स। अब दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है दोनों में, ये वाला 5 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है वही दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये 3 डॉट्स हैं, डॉट्स को क्या पढ़ना है, देयरफॉर, 2 डॉट्स नीचे, 1 डॉट ऊपर, इनको देयरफॉर पढ़ते हैं। एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। 25 और 45 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है। ये पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट है इसका। तो नंबर्स आपको दिए हुए हैं थर्ड पार्ट में, नंबर्स है 18 and 28, ये दो नंबर्स हैं आपको दिए हुए, इनका एच सी एफ फाइंड करना है, एच सी एफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 18 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 9s are 18, फिर 9 3 से डिवाइड होता है, 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3। अब 18 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 28 के, आप किसके बराबर आने हैं, 20, पहले 18 के अब 28 के, 28 भी 2 से डिवाइड है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 42s are 28। तो 14 का टेबल
आपको आना चाहिए 20 तक 20 तक आपको टेबल आने चाहिए, फिर आपका मैथ बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर 2 7s are 14 और 7 1s are 7। तो दोनों क्या होंगे, प्राइम फैक्टर बना रही है तो 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 3, 2 × 3 × 3, ये 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर 28 को क्या लिख लेंगे, 2 × 7, 2 × 2 × 7, ये 28 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब दोनों में देखें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, ये 3 है, 3 इसमें 3 नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 18 एंड 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, दोनों का एचसीएफ 2 है। फिर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या, 4 3 नंबर दिया, 5 30 और 60, 5 एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 30 है और तीसरा नंबर 60 है। इन तीनों का आपने एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो तीनों के फैक्टर बनाएंगे आप, तीनों के फैक्टर बनाएंगे 5 30 और 60 के। तो 5 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5। फिर 30 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 30 के टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 15 2s are 30। फिर 15 के टेबल में आता है 3 के टेबल में, 3 5s are 15, फिर 5 1s are 5। ये हमने 30 का प्राइम फैक्टर बना लिया, उसके बाद 60 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 37 के 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये 3 5s are 15, ये 5 1s are 5। तो तीनों के हमने प्राइम फैक्टर बना रही है, 5 is equal क्या होगा, 5 is equal 5 भी आ जाएगा, या 5 times 1 लिख सकते हैं, 5 times 1। तो 30 इज इक्वल, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, 5 इज इक्वल 5। तो 30 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 3 5, 2 × 3 × 5। और 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। अब तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तीनों में 5 कॉमन है, 5 यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो एचसीएफ दिए फोर, 3 डॉट्स हैं, दिए फोर एचसीएफ ऑफ 5 30 और 60 आ जाएगा, 60 एचसीएफ ऑफ 5 30 और 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है, नंबर दिए हुए हैं 14, पहला नंबर 14 है, दूसरा नंबर 28 है, तीसरा नंबर 112 है एंड 112। तो इन तीनों का आपने एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 40 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 14 2 के टेबल में आता है, 2 7s are 14, 7 1s are 7। फिर 28 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, फिर 2 7s are 14, फिर 7 1s are 7। उसके बाद 112 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 112 2 2 5s are 10, 2 5s are 10 11 था, 2 5s are 10 एक बच गया, ये 12 बन गया, 2 6s are 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2s are 4, इसमें एक बाई 16 बन गया, 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 14 फिर 2 से डिवाइड हो गया, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब तीनों के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए, तो 14 को हम क्या लिख लेंगे, 14 इज इक्वल टू 2 × 7, 14 इज इक्वल टू 2 × 7। फिर 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 7, 2 × 2 × 7, 112 इज इक्वल टू 2 × 2 चार दफा, 2 × 2 × 2 × 7। अब तीनों में देखें कॉमन क्या है, अब देखिए ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 7, 2 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तीनों में 2 और 7 कॉमन है, ये दो फैक्टर, इसमें दो फैक्टर कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, 2 7, तीनों में 2 7 आ रहा है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 14 28 and 112 इज इक्वल टू 2 × 7, 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14, ये आपका
आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर सिक्स करते हैं। तो पार्ट नंबर सिक्स में क्या करना है, छठा पार्ट है इसका, पार्ट नंबर सिक्स, उसको देखते हैं क्या नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, नंबर्स हैं 36, 54, 36, 54 एंड 108, 108। तो इनका एसीआई फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 36 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले 36, 36 टू से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, बाकी 1 बचा 16, 2 8 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये 36 फिर 54 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 54 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, सॉरी 2 2 4, 2 2 4 5 है, 2 2 4, 2 7 14। फिर 2 से डिवाइड नहीं, अब 3 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 7 14, 27, 3 का टेबल नहीं आता है, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 1 3, 3 1 3। अब 108 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 108 इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या बनते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। अब सभी को हम लिख लेते हैं दोबारा, 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 3 3, 2 times 2 times 3 times, ये 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर 54 को क्या लिख लेंगे, 54 इज इक्वल टू 2 3 3 3, 2 times 3 times 3 times, ये 54 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ये 108, इसको क्या लिखें, 2 times 2, 3 times 3, 3 और 3। अब तीनों में देखें क्या काम आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है, ये वाला 2 तीनों में आ रहा है। अब 3 3, ये 2 times 3 है, ये वाला 2 times 3 इसमें आ रहा है, ये 2 times 3 इसमें भी आ रहा है, ये 2 times 3 इसमें भी आ रहा है। अब ये 2 है, अब बाकी 2 में 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो एक 2 है, 2 2 2 कामन है, ये 2 इसमें 2 नहीं है, इसलिए ये कामन नहीं है। तो जो दिनों में कामन है, 2 कामन है और 3 और 3 कामन है, तो एचसीएफ हम लिख लेंगे, तो एचसीएफ ऑफ देयरफॉर एचसीएफ है जो तीनों का एचसीएफ है वो क्या आएगा, 2 times 3 times 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, 2 3 6 6 3 18, 2 3 6 6 3 18, तीनों का जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, 18, तीनों का एचसीएफ 18 आ गया जी। ये वाला आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एचसीएफ बाय लॉग डिविजन मेथड। क्वेश्चन नंबर टू है, तो फाइंड करना है एचसीएफ बाय लॉग डिविजन मेथड, तो इसको लॉग डिविजन मेथड से करना है। तो नंबर आपको दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड एचसीएफ बाय डिविजन मेथड, या लॉग डिविजन लिख लें या डिविजन लिख लें, लॉग डिविजन मेथड एचसीएफ फाइंड करना भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से एचसीएफ फाइंड करना। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके नंबर्स आपको दिए हुए हैं 110 एंड 170, 110 एंड 170, 110 170, दो नंबर्स हैं, इनका आपने एचसीएफ फाइंड करना भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखते हैं कैसे, जब इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, लॉन्ग जो लॉन्ग डिविजन मेथड है, कैसे हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो बड़ा नंबर लिखिए 170,
इसको अंदर लिखेंगे और छोटा नंबर बाहर लिखेंगे 110। और 110 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 170 से कम है 1 के साथ, 110 टाइम्स 1 कितना है 110 आ जाएगा, 110 आ गया। फिर माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 हो गया, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। हम देखें जो 6 है ये 110 से छोटा हो गया है, 6 इज स्मॉलर देन 110। जब यहाँ पर छोटा नंबर आ जाए फिर उसका हमने अंदर लिख लेना है, इसका हम डिवीजन के अंदर लिख लेंगे। अब इसको 110 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, जब भी यहाँ पर नंबर इस नंबर से छोटा आ जाए तो फिर हमने ये वाला नंबर बाहर लिखना, ये वाला नंबर अंदर लिख लेना 110। यहाँ पर क्या लिखना है हमें 110। और फिर जब 110 है 60 1 के साथ डिवाइड होगा, 60 1 60 माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 0 0 आ गया, 11 में 6 माइनस किया क्या आ गया 50, 11 माइनस 60 6 50। अब जब 50 भी छोटा हो गया 60 के साथ, अब जो 60 को हम अंदर लिखेंगे 50 के साथ डिवाइड कर देंगे, 50 1 50 50 1 50 फिर माइनस किया 0 आ गया, 6 माइनस 5 1। अब 10 छोटा हो गया 50 के साथ, तो अब 50 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 50 को डिवाइड करना है 10 के साथ, 10 5 50 10 5 50। डिवीजन ख़त्म हो गया 10 5 50। तो आखिर में जो आपका नंबर आ जाता है जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, आखिर में कौन सा नंबर है 10 आ गया, जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका आंसर होता है। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 10। तो 110 170 का जो HCF वो क्या होगा 10। यहाँ पर जो लास्ट में जो डिवाइजर है इसे डिवाइजर कहते हैं, जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दिस इज योर आंसर, HCF इज इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें कौन से दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर है 104 एंड सेकंड नंबर है 234। ये दो नंबर्स हैं, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बड़ा नंबर 234 है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 234 लिख लिया हमें, इसको डिवीजन के अंदर लिख लेंगे बाय 104 लिख लेंगे, 104। तो 104 का टेबल लिखें, 104 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2 0 8। तो 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2 लिख दिया, 104 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 208 आ गया। ये माइनस करेंगे, 4 छोटा है तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे, ये 40 बन गया, 40 में से 8 माइनस किया कितना आ गया 6, यहाँ पर गया 2 बच गया, 2 माइनस 0 2। और 20 से छः से छोटा आ गया, 104 को 26 का डिवाइड करना है, 26 का टेबल लिख कर देंगे, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करके देंगे, 4 6 24, 2 बचा, 4 2 8 8 plus 2 10 104। तो कितना आ गया 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया, सॉरी 26 मल्टीप्लाइड बाई 4, 26 को 4 4 6 24 4 2 10, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, 4 2 8 8 plus 2 10। ये डिवीजन ख़त्म हो गई है, तो HCF कितना आ गया 26, HCF कितना आ गया 26। तो HCF ऑफ 104 एंड 234 इज इक्वल टू 26। डिवाइड करके देखें दोनों नंबर्स को, डिवाइड करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 104 डिवाइडेड बाई 26, ये भी डिवाइड हो जाता है, 104 डिवाइडेड बाई 26, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 234 डिवाइडेड बाई 26, ये 9 से डिवाइड हो जाता है। ये जो आप कैसे आप वो क्या आएगा 26, ये आपका आंसर आ गया 26। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका,
थर्ड पार्ट में कौन से दो नंबर, तीन दो नंबर लिए हैं, फर्स्ट नंबर है 400, फर्स्ट नंबर 400 है एंड सेकंड नंबर है 3996. इन दो नंबर से आपने एसीआर फाइंड करना है भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड ये वाला बड़ा नंबर है 3996, इसका हम डिवाइड करेंगे 400 के साथ, तो 3996 इसको छोटा नंबर 400 बाहर लिखते हैं हमेशा, इसको अब 400 का टेबल बने, 400 का टेबल बने, तो 400 का टेबल हम कहाँ था पढ़ेंगे, 400 इसको मल्टीप्लाई करें, 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, 9 0 0 9 0 0 9 4 36 3600, तो ये किसके साथ डिवाइड, 9 के साथ, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 9 3600 3600 ये माइनस कर दिया, तो 6 - 0 6 आ गया, 9 - 0 9 आ गया, ये 9 - 6 3 आ गया, अब 396 400 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे 400 को डिवाइड करेंगे 396 के साथ, अब 3 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 396 का 1 से मल्टीप्लाई किया 396 आ गया, फिर माइनस किया तो 0 छोटा है, ये भी 0 छोटा है, यहाँ से हम 1 कैरी करेंगे, ये 3 रह जाएगा, ये 10 बन गया, ये 10 में से 1 लिया, ये 9 बन गया, तो 9 में से हमने 6 माइनस किया, 9 में से हमने 6 माइनस किया, तो 9 - 6 कितना आ जाएगा 3, फिर 9 - 3 तो 9 - 6 कितना आएगा 4, 9 - 6 कितना आ गया 4, 400 में से 396 माइनस कर दिया कितना आ गया 4, अब 4 छोटा है 396 है, तो 396 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, फिर 4 का टेबल भरेंगे 4 9 - 36 4 9 - 36 माइनस किया, 9 - 6 कितना आ गया 3, ऊपर से हमने 6 उतार लिया, फिर 4 9 - 36 4 9 - 36 डिवीजन ख़त्म हो गया, जब डिवीजन ख़त्म हो जाए तो फिर जो आंसर लिखना होता है, तो आंसर कौन सा होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है, ये अगर लास्ट डिवाइजर है 4, ये आपका एस सी एफ होगा, तो देयर फोर एस सी एफ ऑफ 104 एंड सॉरी 400 एंड 39 दोनों जो एस सी एफ होगा कितना जाएगा 4, ये आपका आंसर आ गया, एस सी एफ ऑफ 400 एंड 3996 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 में देखते हैं कौन से दो नंबर दिए हुए हैं, तो फर्स्ट नंबर है 32 पार्ट नंबर 4 है, फर्स्ट नंबर है 32, दूसरा नंबर है 96 और तीसरा नंबर है, तीन नंबर दिए हुए हैं 256, यहाँ पर तीन नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर्स का एसीएफ फाइंड करना भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो सबसे बड़ा नंबर देखें, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला, तो जो दो बड़े नंबर हैं 256 का पहले 96 के साथ डिवाइड कर लें, 256 को डिवाइड करें 96 के साथ, तो 2 से डिवाइड 96 मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 6 12 2 9 18 और 91 92, ठीक है, 2 6 12 1 बचा 2 9 18 और 90, सी से करके देख लें 96 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 6 18 1 3 9 27 28 288, अब 288 बड़ा हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 192, इसमें से माइनस कर दें तो 6 - 2 कितना आ गया 6 - 2 4, ये 5 छोटा वहाँ से मान लेंगे, ये 15 आ गया, 15 में से 9 माइनस किया तो 15 - 9 कितना आ गया 64, अब 64 छोटा आ गया 96 से, अब 96 को डिवाइड करेंगे 64 के साथ, 64 वन ज़ा माइनस किया 6 - 4 2 9 - 6 3 32 फिर 64 से छोटा हो गया तो 64 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, 32 2 ज़ार 64 होता है, फिर माइनस किया 0 आ गया, ये 32 आपका एच सी एफ आया, दे आपको लिखने के एच सी एफ इज इक्वल टू 32, ये आपका आंसर आ गया,
उसके बाद अब पार्ट नंबर फाइव करते हैं। पार्ट नंबर फाइव में देते हैं कौन से दो नंबर्स हैं जिनका आपने एसीआर फाइंड करना है। पार्ट नंबर फाइव है, फर्स्ट नंबर है 30, दूसरा नंबर है 168, 30 and 288, ये तीन नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स का आपने एसीआर फाइंड करना है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे बड़ा नंबर है उसको इससे छोटे नंबर से डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 288 को डिवाइड कर लें 168 के साथ, तो ये 1 से डिवाइड होगा 168 माइनस कर दें, 8 माइनस 8 जीरो हो गया, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 120। अब 120 छोटा हो गया, 168 को डिवाइड कर लेंगे 120 के साथ, ये 1 से हो जाएगा 120, ये माइनस किया 8 माइनस 0 8 आ गया, 6 माइनस 2 4, 48 छोटा हो गया। अब 120 को डिवाइड कर लेंगे 120, यहाँ पर 120 लिखना है, तो इसको 4 2 ज़्यादा अगर 2 से डिवाइड होगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 8 16 1 2 4 8 9 96 आ जाएगा, 48 टाइम्स 2 ये 96 आ गया। तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, 11 माइनस 9 24 कितना आ गया 24, और 24 भी छोटा आ गया, 24 भी छोटा आ गया किससे, 24 छोटा आ गया किससे 48 से, तो 48 को हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 48 2 के साथ हो गया, 24 2 ज़ार 48 जीरो हो गया। अब हमने क्या किया, तीन नंबर आपको दिए हमें 30, 168 और 288, पहले हमने एसीआर फाइंड किया 2 160, ये दो नंबर्स हैं इनका जो हमने एसीआर हमने फाइंड किया वो क्या है 24, एसीएफ ऑफ एच सी एफ ऑफ 30 एंड सॉरी एसीएफ ऑफ 168, एसीएफ ऑफ 168 एंड 288, जो दो बड़े नंबर थे ये 168 एंड 288, इन दोनों का एसीएफ कितना आ गया 24 इज इक्वल 24। अब तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 30 है, तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 30 है, तो 30 का एसीएफ कैसे फाइंड कर, अब 30 का एसीएफ फाइंड करेंगे और 30 का इस 24 के साथ एसीएफ फाइंड करेंगे। अब क्या करना है आपने, जब आपने इन दो नंबर का एसीएफ फाइंड कर लिया वो 24 आया और 24 का 30 के साथ एसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो नाउ वी फाइंड एसीएफ ऑफ, नाउ वी फाइंड एसीएफ ऑफ 24 एंड 30। अब 24 और 30 का एसीएफ फाइंड करना है, तो 30 को डिवाइड कर लें, 30 को डिवाइड कर लें 24 के साथ, 24 वन ज़ार 24 माइनस किया, 30 में से 24 माइनस किया कितना आ गया 6 आ गया, सिर्फ छोटा आ गया 24 से, और 24 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो 6 4 ज़ार 24 ज़ीरो हो गया। अब 6 आ गया, जो 6 है वो तीनों का एसीएफ है, देखो लिखेंगे एसीएफ ऑफ 30, 168 एंड 288 इज इक्वल क्या हो जाएगा 6। जो पिछला पार्ट था पार्ट नंबर 4 था उसमें मुझे याद नहीं रहा, जो पार्ट नंबर 4 था उसके हमने ये देख लें, उसको चेक कर लें, जो पार्ट नंबर 4 सॉरी पार्ट नंबर 4 किया हमने, तीन नंबर दिए हुए थे, कौन से नंबर दिए हुए थे पार्ट नंबर 4 में, ये नंबर दिए हुए हैं 32, पार्ट नंबर 4 के नंबर देखें 32, 96 एंड 256, तो इसमें मैंने दो नंबर का फाइंड किया पहले 96 और 256 का, ठीक है, तो 90 इनका क्या आ गया 32 आ गया। अब 32 का तीसरे नंबर के साथ फाइंड करना है, तीसरा नंबर क्या है वो 32 ही है, तीसरा नंबर क्या है वो 32 ही है, इसलिए 32 और 32 का जैसे वो 32 ही होगा, ठीक है, इसलिए मैंने तीसरे नंबर के साथ फाइंड नहीं किया। जब हमने इन दो नंबर का 96 256 का ऐसे फाइंड किया तो वो क्या है 32 है, और जो तीसरा नंबर का वो खुद भी 32 है, तीसरा नंबर खुद भी 32 है,
जो 32 होगा 32 का एस एफ 32 होगा, ऐसे जो तीनों नंबर है उनका एस एफ 32 ही होगा, इसलिए मैंने उसके साथ नहीं किया था। रिक्वेस्ट पार्ट नंबर 6 है, इसका करते हैं पार्ट नंबर 6, छठा पार्ट है, उसको देखते हैं कैसे करना है। जिसमें आपको चार नंबर दिया है, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं, लेंथी सवाल है, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। पार्ट नंबर 6 को फाइंड करना एस सी एफ ऑफ कौन से चार नंबर हैं, पहला नंबर है 80, दूसरा नंबर है 215, तीसरा नंबर है 245 एंड चौथा नंबर है 720। तो वी हैव टू फाइंड एस सी एफ ऑफ दिस फोर नंबर्स। तो सबसे पहले जो दो बड़े नंबर है 245 एंड 720, 245 है, इनका एस सी एफ फाइंड करते हैं। 720 इसको डिवाइड कर लें किसके साथ, 245 के साथ। तो 245 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, 3 5 15, 1 3 4 12 और 13, 3 2 6 और 7 7 35, 735 से ग्रेटर आ जाएगा। इसका 245 को 2 से करेंगे, किसके साथ करेंगे, 2 से, 245 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 10, 1 2 4 8 9, 2 2 4 490 आ जाएगा। 240 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 490 माइनस करेंगे तो माइनस करने से 0 माइनस 0 0 हो गया। 2 छोटा है, 7 से मान लेंगे 12 में गए, 12 में से 9 माइनस किया कितना आ गया, 3, 12 माइनस 3 6 माइनस 4 2, 230 230 से छोटा है, 240 को डिवाइड कर लेंगे 230 के साथ, 1 के साथ डिवाइड होगा 230 आ गया। 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 3 1, 15 छोटा हो गया 230 से, 230 को 15 के साथ डिवाइड कर लेंगे, 15 वन ज़ार 15 माइनस किया, 3 5 से छोटा, 2 से मान लेंगे 30 मान जाएगा, 30 माइनस 5 कितना आएगा, 8, 30 माइनस 5 8 0 आ गया, 80 है, सॉरी ये 0 आ गया, 23 में से माइनस किया तो 230 डिवाइडेड बाई 245 माइनस 215 230 तो 15 वन ज़ार 15, तो 30 में से 23 में से 50 माइनस किया 8 आ गया, ऊपर से क्या आ गया, 0 आ गया। अब फिर 15 का टेबल पर है, 15 5 ज़ार 75 फिर माइनस कर दें, माइनस किया 80 माइनस 75 कितना आ गया, 5, अब 5 छोटा आ गया 15 से, अब 15 को डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ, 5 3 ज़ार 15 माइनस किया 0 हो गया। और जो पहले दो नंबर थे एस सी एफ, दो नंबर का एस सी एफ कितना आ गया, 5, जो पहले दो नंबर हैं, ये जो पहले दो नंबर हैं 245 एंड 720, 245 और 720, इनका एस सी एफ कितना आ गया, 5 आ गया, ये दोनों का एस सी एफ 5 आ गया। अब तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर क्या है, 215, तीसरा नंबर क्या है, 215, तो 215 के साथ हम डिवाइड करेंगे, इसका एस सी एफ फाइंड करेंगे, तो 215 5, अब 215 को तीसरा नंबर है, 215 है तो 215 और 5 का एस सी एफ फाइंड करेंगे। अब 215 को डिवाइड कर लें, 215 को डिवाइड कर लें 5 के साथ, जो एस सी एफ आ गया दो नंबर का, जो एस सी एफ जो दो नंबर का एस सी एफ आ गया, अब तीसरे नंबर के साथ, तीसरे नंबर को उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 5 4 ज़ार 20 माइनस किया, 1 माइनस 0 1 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, ये 5 3 ज़ार 15 माइनस किया 0 हो गया। अब फिर जो एस एम एस एफ कितना आ गया, दोबारा एस एफ आ गया 15, दोबारा एस एफ कितना आ गया, 5, ये जो 5 है ये फिर एस एम आ गया। तो ये हमने तीसरे नंबर के साथ फाइंड किया था, 215 के साथ फाइंड किया था एस एफ, तो फिर 5 आ गया। अब चौथा नंबर देखें, चौथा नंबर क्या है, 80, अब 80 को डिवाइड कर लेंगे, जो जो नया एस एफ आया 5 आया, अब 80 को 5 के साथ डिवाइड कर देना है, 5 1 ज़ार 5 माइनस किया,
8 माइनस 5 3 ऊपर से 0 आ गया, 5 6 30 माइनस क्या 0 हो गया। अब फिर आया एस सी एफ 5 आ गया। अब चारों नंबर के जो एस सी एफ है डी एफ हो जो चारों नंबर है उनका जो एस सी एफ वो क्या आ जाएगा 5। एस सी एफ ऑल फोर नंबर्स इज इक्वल टू 5। तो जब भी आपको 3 नंबर दिए हुए हैं पहले 2 नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो एस सी एफ आया तीसरे नंबर को उसके साथ डिवाइड करेंगे। जब 4 नंबर दिए हुए हैं तो पहले 2 नंबर कैसे फाइंड करना है, जो एस सी एफ आएगा तीसरे नंबर को उसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर जो एस सी एफ आएगा फिर चौथे नंबर को उसके साथ डिवाइड करना है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए हैं, एंसर 1.3 है, आज के लिए इतने काफ़ी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जो बाकी सवाल हैं 5 सवाल वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।